पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संबल जनपद की चंदौसी तहसील क्षेत्र में बनियाखेड़ा विकास खंड के ग्राम नेहटा में बनी गौशाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोवंशीय पशुओं को बचाने की योजना को मुंह चढ़ाती नजर आ रही है। दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद संबल के ग्राम नेहटा का है, जहां तक बनी गौशाला में केवल दो ही गोवंशीय पशु हैं, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बहुत सारे गोवंशीय पशु हैं, लेकिन ग्राम प्रधान गौशाला में उनको खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। पशुओं को सुबह के समय गौशाला में बंद करते हैं और शाम के समय खोल देते हैं, जिससे वे पशु खेतों घुसकर हमारी फसलों को खा जाते हैं। ग्राम प्रधान जी से इस बारे में शिकायत करते हैं तो वह कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। धनीराम मौर्य, कहाँ रहते हैं? नेहटा। खाने को कोई चारा ही नहीं है, वो ईखो में खाली दे रहते हैं। सिगरी खाली हमारी तो, और मक्का है, मक्का भी खाली। अच्छा, तो और फसल को कोई होने नहीं दे रहे थे। कमार बोया वो सिकना खा लिया। ग्राम प्रधान से शिकायत ना करी आपने? ग्राम प्रधान कुछ कहता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है। उसमें खाने को कुछ जाता ही नहीं है चारा गौशाले में, तो क्या करें? उनका हाँ रहते हैं नेहटा। पशु तो यहाँ पर करें 20 फिरते हैं यहाँ पे, बिगार भी करते हैं, मगर प्रधान यहाँ बंद नहीं करता है। अच्छा, करता है तो कभी कभी आता है तो खोल जाता है। अच्छा, गेट खोल देते हैं, बंद करते हैं, खोल देते हैं। हाँ, प्रधान का नाम क्या है? इलियास। इलियास, तो ये इसी तरह तो ये भूसा वगैरह बचा रहे हैं, इस तरह से जो खान पीन की व्यवस्था है वो भी बचा रहे हैं ये? हाँ, प्रधान जी सिखाते हैं, प्रधान खुद देने से, प्रधान जी कभी कभी आते हैं। मेरा नाम इलियास, ग्राम पंचायत नेहटा, तहसील चंदौसी, ब्लॉक बनियाखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट सोमवार। सर, इसमें हमारे यहाँ आज तक तो 6 जानवर थे, अब 6 में आज रात में या किसी समय वो बाउंड्री तोड़ गए और 4 जानवर तो निकल गए, केवल इस समय 2 जानवर रहे। इसके लिए सर मैं यहाँ से बाल्टी उससे भर के ले जाता हूँ पानी, कभी ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के ड्राम रख के, या कभी मोटरसाइकिल पर रख के तो उनको पिला के आता हूँ और सानी करके आता हूँ अपने घर से। अभी सरकार से मुझे कोई धनराशि नहीं मिली है।